नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है सुमित की, जो कि रहने वाला था महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर का। ये बात आज से करीब 8 साल पुरानी है। सुमित के परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा था। सुमित अपने परिवार में इकलौता बेटा था। उसके पिता एक बहुत अच्छी नौकरी में थे, लेकिन वो प्राइवेट जॉब में थे। घर में कमाने वाले बस वही थे। सुमित अपनी पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई पूरी करने के बाद उसको जॉब या फिर बिजनेस करना था। जॉब अगर उसके मन लायक होती तो वो करता, मगर उसका ज़्यादातर प्लान दिमाग में यही चलता रहता था कि उसे कोई अच्छा बिजनेस करना है, चाहे वो बिजनेस छोटा ही क्यों ना हो। अभी तक उसके पिता उसके घर का कार्यभार संभाल रहे थे, तब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक एक दिन उसके पिता की मृत्यु होने के वजह से उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और पिता के जाने के गम में उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। सुमित अपनी पढ़ाई भी ऐसा लग रहा था जैसे अब कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। पैसों की काफ़ी तंगी हो गई थी। सब कुछ अच्छे से बहुत बुरा हो गया था। सुमित काफ़ी परेशान रहने लगा था। उसकी पढ़ाई पूरी ना होने के वजह से उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जॉब भी कैसे करे। लेकिन सुमित हार मानने वालों में से नहीं था। सुमित ने हिम्मत नहीं हारी। सुमित ने जो भी कम से कम पैसे की भी उसे जॉब मिली, वो जॉब उसने ज्वाइन कर ली। और जॉब करते करते उसने अपने बिजनेस के हिसाब से लोन के लिए हर जगह कोशिश करना शुरू कर दिया। क्योंकि सुमित का क्वालिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं था और लोन लेने के लिए उसके पास गारंटी में रखने के लिए कुछ भी नहीं था, तो हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लग रही थी। सुमित काफ़ी हताश हो चुका था, लेकिन वो अपनी माँ का ख्याल अच्छे से रखना चाहता था और पिता के बाद अब हर चीज़ की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ चुकी थी, जिसको वो बहुत अच्छे से समझता था। इसलिए सुमित हर एक बैंक में जाकर लोगों के सामने गिड़गिड़ाता, मिन्नतें करता और ये कोशिश करता कि कहीं ना कहीं से उसे लोन मिल जाए, लेकिन उसे लोन नहीं मिल रहा था। उसने प्राइवेट इन्वेस्टर्स लोगों से भी बातें की। ऐसे ही करते करते काफ़ी समय निकल गया और अब सिर्फ एक ही बैंक बचा हुआ था, जो कि उसकी आखिरी उम्मीद थी, जहां पर उसे ये लग रहा था कि शायद उसका काम हो जाएगा। वहां वो एक ब्रोकर के थ्रू गया था। ब्रोकर ने कुछ पैसे कमीशन में सुमित से डिमांड किए थे। सुमित ने यही कहा था कि अगर वो उसका काम करवा देगा तो सुमित उसको कमीशन भी दे देगा। और ब्रोकर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुमित के सामने की थी। अरे भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैंने आप जैसे ना जाने कितने लोगों के कितने बड़े बड़े लोन पास करवाए हैं। आपका लोन पास करवाना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं हूँ ना, मैं आपको सब करा के दूँगा। उसकी बातें सुनकर सुमित के अंदर एक नई उम्मीद जाग गई थी और सुमित उसके साथ उस बैंक में चला गया। जब वो उस बैंक में पहुंचा, तो वहां पर उसकी ब्रोकर की और जो भी लोन देने वाले लोग थे, उन लोगों की बातचीत बहुत देर तक चली। और बहुत देर तक बातचीत चलने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं आया। सुमित वहां से भी उसी निराशा के साथ निकल गया। सुमित आज बहुत ज़्यादा ही टूट चुका था, क्योंकि ये बैंक सुमित की आखिरी उम्मीद थी, जो कि अब टूट चुकी थी। सुमित पूरी तरह से हार चुका था। सुमित को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब घर जाएगा
तो जाने के बाद अपनी माँ को क्या बोलेगा? सुमित के कम सैलरी में वो अपने घर के खर्चे चलाने के साथ साथ अपनी माँ का इलाज भी ढंग से नहीं करवा पा रहा था। ये सारी चीज़ें सुमित के दिमाग में एक एक करके घूमने लगी। सुमित वहीं बैंक की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा और वो काफ़ी देर तक रोता रहा। उसे समय का ध्यान भी नहीं रहा। बैंक बंद हो चुका था, सारे लोग वहाँ से जा चुके थे, लेकिन सुमित वहीं उन्हीं सीढ़ियों पर बैठकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। अचानक से एक लड़की वहाँ पर आई और उसने सुमित के कंधे पर हाथ रखते हुए सुमित से पूछा, क्या हुआ, तुम कौन हो और यहाँ पर बैठकर क्यों रो रहे हो? सुमित ने जब उस लड़की को देखा तो उसे थोड़ा सा अजीब लगा। उसने अपने आंसू पोंछ लिए और उस लड़की को कुछ नहीं बताया। उसने उसके सामने ये दिखावा किया कि कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो लड़की वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसने सुमित से कहा, अरे तुम परेशान मत हो, एक बार मुझे अपनी परेशानी बताओ, मैं इसी बैंक में काम करती हूँ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। ये सुनते ही सुमित को एक उम्मीद वापस से जाग गई और सुमित ने अपना सारा हाल उस लड़की को वैसे ही बच्चे की तरह बिलकते हुए बता दिया। उस लड़की ने जब सुमित की बात सुनी तो उसने कहा, बस इतनी सी बात से तुम इतना परेशान हो गए, इतना रो रहे हो, चिंता मत करो, मैं इसी बैंक में काम करती हूँ और कई सालों से काम करती हूँ, तो मैं तुम्हारा काम ज़रूर करवा दूँगी और तुम्हें उसके बदले में मुझे कोई भी पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम बस अपनी माँ का ख्याल रखो और अपना काम शुरू कर लो। फिर सुमित ने कहा, क्या आप सच कह रही हैं? सच में आप मेरा काम करवा दीजिएगा? आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रही? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे नहीं बाबा, मैं क्यों आपसे मजाक करूंगी? मैं सच में आपकी मदद करना चाहती हूं और मैं सच बोल रही हूं, मैं आपका काम ज़रूर करवा दूंगी। हाँ, आप बस मुझे कुछ दिन का वक्त दे दीजिए। फिर सुमित को ध्यान में आया कि बैंक तो बंद हो चुका है और सारे लोग जा चुके हैं, फिर ये लड़की यहाँ पर अभी तक क्या कर रही है? सुमित ने यही सवाल उस लड़की से पूछा और उस लड़की ने जवाब दिया, हाँ बैंक बंद हो गया है, लेकिन कुछ अलग तरह के डॉक्यूमेंटेशन के लिए रात में भी एक टीम काम करती है और मैं उसी टीम से हूँ। अंदर काम चल रहा है और लोगों का जाना अलाउड नहीं होता है। मैंने आपके रोने की आवाज़ सुनी, इसलिए मैं बाहर आ गई आपको देखने के लिए। सुमित को उसकी बात सच लगी और सुमित ने उसकी बात मान ली। सुमित खुश होकर अपने घर चला गया। उस लड़की से ये पूछकर कि वो अगली बार जब उससे मिलना हो तो कब मिलने आए और उसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वो लाकर उसे कहाँ पर दे। सुमित ने जब उस लड़की से उसका फ़ोन नंबर मांगा तो उस लड़की ने कहा कि वो फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती है, इसलिए तुम्हें मुझसे मिलने के लिए हमेशा इसी वक्त पर बैंक में ही आना पड़ेगा। सुमित ने हाँ कर दिया और वो वहाँ से खुशी खुशी अपने घर चला गया। सुमित जब अपने घर गया तो उसने अपनी माँ को सारी बातें बता दी। उसकी माँ भी ये बात सुनकर काफ़ी खुश हो गई और माँ ने सुमित को ये बात कही कि बेटा देखो, हमेशा जब एक दरवाज़ा भगवान बंद कर देते हैं तो कोई ना कोई दूसरा दरवाज़ा ज़रूर खोल देते हैं, इतनी जल्दी निराश नहीं होना चाहिए। सुमित ने कहा, हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं इतने दिन से इतना परेशान था और पता नहीं क्यों उस लड़की की बातों से मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि शायद वो मेरा काम ज़रूर करवा देगी। सुमित की माँ ने कहा, बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन जैसे कि तुमने बताया है, उस लड़की ने तुम्हें रात में मिलने के लिए बुलाया है और तुम्हें तो पता है हमारे शहर की हालत अभी ठीक नहीं चल रही है, यहाँ पर पता है ना कितने सारे लोगों की मौत ऐसे हो रही है
जिसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तुम अगर आना जाना करो तो थोड़ा संभल कर अपना ख्याल रखो। तुम्हें पता है तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है, सुमित ने कहा। माँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अच्छे से जाऊँगा और अच्छे से आऊँगा। और जो भी हो, शहर में मुझे भी पता है बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आपको तो पता है ना, मेरे लिए अब उस लड़की के अलावा दूसरी कोई उम्मीद नहीं बची है। और ये बात तो सच थी, ये बात कहीं ना कहीं सुमित की माँ भी बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। सुमित के शहर में अभी लगभग 3 महीनों से अनजाने तरीके से लोगों की मृत्यु हो रही थी। पुलिस भी काफ़ी दिनों से इस चीज़ के इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी, लेकिन पुलिस को कहीं से कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। लोगों की बॉडी हमेशा शहर के अलग अलग जगह पर पाई जाती और लोगों के बॉडी से खून बिल्कुल पूरी तरह से गायब होता था, और इस तरीके से मृत्यु होने का रीज़न बिल्कुल भी किसी को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल ही रही थी, और अभी 2 दिन बीतने के बाद आज सुमित को वापस से उस लड़की से मिलने जाना था। सुमित बताए हुए समय पर बैंक में उस लड़की से मिलने के लिए पहुंच गया। अभी सुमित ऊपर भी नहीं गया था कि वो लड़की उसे नीचे ही मिल गई। उसने सुमित को पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, सुमित तुम मुझे ही ढूंढने जा रहे हो ना? सुमित ने जब पलट कर देखा, वो मुस्कुराने लगा और उसने कहा, जी हाँ मैं आपको ही ढूंढने जा रहा था। और आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? उसने कहा, मैं नीचे चाय पीने के लिए आई थी, बहुत नींद आ रही थी आज। तो मैंने तुमसे जो जो पेपर्स कहे थे वो तुम लेकर आए हो क्या? सुमित ने कहा, जी हाँ आपने जो भी मंगवाया था मैं सब लेकर आया हूँ। उस लड़की ने दिलासा देते हुए कहा, देखो ये लोन का प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है, तो तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। 1 से 3 महीने का वक्त इसमें लग सकता है, तो इतने समय तक तुम चाहे जैसे भी, लेकिन अपना काम कंटिन्यू करके बाकी जो चीज़ें हैं वो मैनेज करो। सुमित ने कहा, हाँ हाँ उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ खर्चा या कुछ भी अगर होने वाला है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उस हिसाब से आपके लिए पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा। उस लड़की ने फिर से बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए सुमित को जवाब दिया, अरे सुमित मैंने तुमको पहले ही बताया था मुझे कुछ भी पैसे नहीं चाहिए, मैंने बोला ना मैं तुम्हारा काम करवा दूँगी, और बाकी जो भी किसी तरह की फ़ीस या कुछ लगेगी तो मैं तुम्हें बताऊँगी, तुम खुद जाकर वो भर देना और तुम्हारे पैसे निकल आएंगे। सुमित ये सुनकर काफ़ी खुश हो गया, क्योंकि अभी तक उसको जिस भी बैंक वालों ने ये लोन करवाने की बात भी की थी, सब पहले ही बहुत बड़े बड़े अमाउंट के लिए उसके सामने डिमांड रख दे रहे थे। हर किसी का यही कहना था, इतना परसेंट चाहिए, इतना कमीशन चाहिए, इतना लाख चाहिए, जिससे कि सुमित को यही लगता था कि बिना पैसे के कोई काम होने से रहा। इसलिए सुमित बार बार उस लड़की से भी यही सवाल पूछ रहा था, और उस लड़की के बार बार इनकार करने पे सुमित को अब पूरी तरह से उस लड़की पर भरोसा हो गया था कि वो सुमित का काम सच में करवा देगी, क्योंकि वो अपने किसी मतलब से इस काम से जुड़ी हुई नहीं लग रही थी। और ये चीज़ साफ साफ समझ में आ रही थी कि वो सुमित की हालत या उसकी मजबूरी, उसकी परेशानियाँ सब कुछ समझ रही है, और सुमित के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इससे पहले वो जहाँ कहीं भी गया था उसने लोगों के सामने रोना, गिड़गिड़ाना, अपनी मजबूरी बताना, वो सब कुछ करके हार चुका था। लेकिन एक तो कोई भी अपने डिमांड किए हुए पैसे में 1 रुपए भी कम करने को तैयार नहीं होता, और इतना करने के बाद भी उसका लोन
पास नहीं हो पाया था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और बार बार हर 2 दिन या 3 दिन पर वो लड़की सुमित को बुलाया करती और सुमित को उसके लोन के प्रोग्रेस की रिपोर्ट देती रहा करती थी, जो सुन करके सुमित को काफ़ी अच्छा महसूस होता था। वो काफ़ी खुश हो जाता था कि अब शायद इस बार उसका काम सच में हो जाएगा। और इस तरफ उसके शहर में लोगों की मरने की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लोगों की लाशें ऐसे ही मिलती थी और पुलिस उन चीज़ों को ढूंढने और सॉल्व करने में काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। और ज़्यादातर जिन लोगों की मौत हुई थी उनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में ही रहती थी और वो सारे के सारे लड़के ही थे। इस वजह से सुमित की माँ काफ़ी परेशान रहा करती थी। वो जब जब रात में अपने काम के लिए आया करता था और जब तक सुमित अपने घर वापस नहीं आ जाता था वो हमेशा बैठकर सुमित का इंतज़ार किया करती थी। सुमित धीरे धीरे अब उस लड़की संगीता से मिलते मिलते कहीं ना कहीं मन ही मन उसको पसंद करने लगा था और शायद संगीता को भी सुमित कहीं ना कहीं पसंद आने लगा था। सुमित का नेचर संगीता को बहुत अच्छा लगता था। वो काफ़ी सीधा साधा और बहुत ही सच्चे दिल का इंसान था। संगीता आज तक इससे पहले ऐसे इंसान से कभी नहीं मिली थी और संगीता जैसी लड़की सुमित को कभी नहीं मिली थी। वो देखने में कोई ख़ास खूबसूरत तो नहीं थी लेकिन वो बहुत ही अच्छी थी और लोगों की मदद करने में उसको बहुत अच्छा लगता था। ये लोगों की मदद निस्वार्थ भाव से करने वाली भावना सुमित को जच गई थी। इसलिए नहीं क्योंकि वो सुमित की भी मदद कर रही थी। ये चीज़ उसने कई बार संगीता को करते हुए देखा था। जब भी वो संगीता से मिलने के लिए जाया करता वहाँ पर वो हमेशा देखता कि उसके बैंक के सामने 2 भिखारी बैठा करते थे जिनको संगीता रोज़ नियम से खाना खिलाया करती थी। आजकल ऐसी दया भावना लोगों के अंदर कम ही मिलती है और दूसरी उसकी दया की भावना तो इससे ही पता चलती है कि वो सुमित के लिए इतना कुछ बिना किसी मतलब के करने के लिए तैयार थी। धीरे धीरे देखते देखते 2.5 महीने बीत चुके थे। दोनों ने एक दूसरे से मिलना जुलना पहले से ज़्यादा बढ़ा दिया था और दोनों ने अभी तक एक दूसरे से अपने अपने मन की बात तो कही नहीं थी लेकिन दोनों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आने लगी थी कि दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। शायद सुमित इस चीज़ के इंतज़ार में था कि वो कुछ अच्छा कर ले, अपना बिजनेस खड़ा कर ले, तब वो संगीता से अपने मन की बात कहेगा, क्योंकि अभी सुमित की फिनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी तो थी नहीं कि वो अपनी माँ के साथ साथ किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा सके। और शायद इस बात को संगीता भी अच्छे से समझ रही थी इसलिए उसने भी अभी तक पहल नहीं की थी। देखते ही देखते सुमित का लोन लगभग पास हो चुका था और अगले दिन अब उसको चेक मिलने वाला था। जब वो चेक लेने के लिए बैंक में आया तो उसे चेक बैंक के बाहर ही पड़ा हुआ मिल गया और उसने संगीता को ढूंढा लेकिन उसे संगीता कहीं भी नहीं मिली। वो बहुत परेशान हो गया क्योंकि वो चेक देखकर समझ गया था कि ये संगीता ने ही किया है और शायद यहाँ पर वो ही रख कर कहीं चली गई है। वो संगीता को ढूंढने के लिए वहाँ उस दिन करीब करीब 12:30-1 बजे तक भटकता रहा। फिर उसे अपनी माँ का ख्याल आया और वो चेक लेकर घर पर चला गया। जब वो घर पर पहुँचा उसने अपनी माँ को
उदास मन से वो चेक दिखाया। उसकी माँ वो चेक देखकर बहुत खुश हुई और उसने पूछा भी, बेटा इतनी बड़ी बात हो गई, तुम आज तक जिस चीज़ के लिए इतना परेशान थे वो काम तुम्हारा हो गया और तुम इतने ज़्यादा उदास दिख रहे हो, क्यों, क्या बात है, क्या हो गया, तुम्हें तो आज बहुत खुश होना चाहिए था। सुमित ने बहुत ही उदास मन से आज अपनी माँ को संगीता के बारे में सब कुछ बता दिया। उसकी सारी बातें सुनकर उसकी माँ काफ़ी खुश हुई और उसने ये भी कहा कि बेटा तूने जो भी ये फैसला लिया है, मैं तेरे इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि वो लड़की जैसा कि तू बताता है और जैसे उसने तेरी इतनी बड़ी मदद की है, तो वो लड़की अच्छी ही होगी। और रूप रंग का क्या है बेटा, वो तो वैसे भी उम्र के साथ ढल जाती है। मुझे नहीं पता तुझे वो आज नहीं मिली, लेकिन तू कल फिर जाना और उसे जाकर ढूंढना, नहीं हो तो बैंक वालों से पूछ कि वो कहाँ गई है। सुमित ये सुनकर बहुत खुश हो गया और वो अगले ही दिन वहाँ पर पहुँच गया। उसने संगीता को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे संगीता कहीं भी नहीं मिली। और जब वो बैंक वालों से पूछने के लिए बैंक के पास गया, तो देखा कि बैंक में ताला लगा हुआ है और बैंक पूरी तरह से बंद है। उसे लगा शायद किसी वजह से आज रात का स्टाफ नहीं आया होगा या आज रात के स्टाफ को छुट्टी होगी। यही सोचकर वो वहाँ से चला गया। ऐसे ही सुमित उस बैंक के कितने दिनों तक ना जाने कितने चक्कर काटता रहा। संगीता को ढूंढने के चक्कर में उसके दिमाग से अपना बिजनेस शुरू करने का तो ख्याल जैसे निकल ही गया था, और अब वो संगीता को लेकर बहुत परेशान हो गया था। वो जब जब रात में आता, बैंक हमेशा बंद ही रहता था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लगभग 25 दिन बीत चुके थे। अब वो पुलिस के पास जाने का मन बना चुका था और आज वो पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसने संगीता की मिसिंग कंप्लेंट वहां पर लिखवा दी। पुलिस वालों ने उससे संगीता की फ़ोटो मांगी। उसने कहा उसके पास कोई भी फ़ोटो नहीं है संगीता की, और उसने सारी बात शुरू से लेके अंत तक बता दी। पुलिस वालों को ये बात सुनकर काफ़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये बात सबको पता होती है कि बैंक्स एक टाइम के बाद बंद हो जाते हैं। कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जिसमें कि ऐसे नाइट स्टाफ बैठकर किसी भी तरह का कोई काम करता है। फिर भी उनको थोड़ी देर के लिए ये लगा कि हो सकता है उस बैंक में ऐसा कुछ काम रहता होगा जिसकी वजह से ऐसा चलता होगा। फिर पुलिस वाले सुमित की कंप्लेंट पर उस बैंक में सुबह सुबह सारी इंक्वायरी करने के लिए पहुंच गए। उन्होंने संगीता का नाम लेकर बैंक वालों से पूछताछ की। जब बैंक वालों से पूछताछ की गई, उन्होंने संगीता नाम की किसी भी लड़की का वहां पर काम करने से साफ साफ इनकार कर दिया। ये इंक्वायरी करने के बाद पुलिस ने ये भी पूछा कि ऐसा कुछ है क्या कि आपके यहाँ किसी काम के लिए रात में कोई स्टाफ आता है और वो लोग यहाँ नाइट शिफ्ट करते हैं। बैंक वालों ने इन सारी चीज़ों से साफ साफ इनकार कर दिया। सुमित की बताई सारी बातें अब झूठी साबित हो रही थी। पुलिस वाले अपनी तरह की सारी इंक्वायरी करके वहाँ से लौट कर आ चुके थे। रात में सुमित पुलिस स्टेशन पहुंच गया, और सुमित के वहां पर पहुंचते ही पुलिस वाले ने भड़क कर सुमित से कहा, तू पागल है, तेरा दिमाग ख़राब है, तू कहीं और से वो चेक लेकर आया है और तू ज़बरदस्ती किसी लड़की का नाम उस चीज़ में जोड़ आया है। वहां ना तो ऐसा कोई नाइट स्टाफ काम करता है और ना ही कोई संगीता नाम की लड़की काम करती है। लेकिन सुमित इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सुमित खुद संगीता से लगभग 3 महीने से लगातार मिलता चला आ रहा था। सुमित ने फिर पुलिस वालों को ये बात बताई कि अच्छा, वहाँ बैंक के सामने रात में 2 भिखारी बैठते हैं, उनको संगीता रोज़ रात को खाना खिलाया करती थी,
तो ये चीज़ भी आप जा करके उन भिखारियों से एक बार पूछिए। पुलिस वाले वैसे तो सुमित की बात को अब झूठ ही मान रहे थे, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा जोर देने पर पुलिस वाले रात में उन भिखारियों से पूछताछ करने के लिए पहुंच गए। सच में वहां बैंक के सामने रात में दो भिखारी फुटपाथ पर सोने के लिए आया करते थे। जब उन दोनों भिखारियों से ये बात पूछी गई तो उन दोनों ने ये बात पुलिस को बताई कि हाँ, एक दीदी थी जो इस बैंक में काम करती थी और वो हमें रात में हमेशा खाना देती थी। घर जाने से पहले वो हमें खाना देकर ही जाया करती थी, लेकिन अभी 4 महीने पहले इस बैंक की छत के ऊपर से जो कूदकर लड़की मरी थी वो वही दीदी थी, और उसके बाद से हमने उस दीदी को कभी नहीं देखा। ये बात सुनते ही पुलिस वाले ने तुरंत ये बात सुमित को बताई। सुमित ये बात सुनकर मानने के लिए तैयार नहीं था। वो अब उन भिखारियों के स्टेटमेंट को भी झूठा ठहरा रहा था। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर पुलिस वालों ने सुमित की तसल्ली के लिए बैंक रिकॉर्ड से उस लड़की ने, मतलब संगीता नाम की लड़की ने, जिसने उस बैंक के छत से कूदकर सुसाइड किया था, उसकी फ़ोटो निकाल कर वो पुलिस स्टेशन में लेकर आए थे। और वो फ़ोटो सुमित को दिखाते हुए उन्होंने सुमित से पूछा कि क्या ये वही लड़की है जिससे कि तुम मिलते थे। सुमित ने वो फ़ोटो देखते ही तुरंत पहचान ली और उसने रोते हुए कहा, हाँ ये वही है, यही तो है वो संगीता जिससे मैं मिलता था, जिसने मेरा ये काम करवा के दिया है। पुलिस वाले सब हंसने लगे और सुमित का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, तब तो तू पक्का संगीता के भूत से मिलता था, क्योंकि ये लड़की लगभग 5 महीने पहले मर चुकी है। सुमित ये सुनकर जैसे सदमे में आ गया। सुमित ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। सुमित बार बार यही चीज़ बोल रहा था, नहीं, यही लड़की है, मैं इसी लड़की से मिलता था, ये मरी नहीं है, ये जिंदा है। और कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। पुलिस स्टेशन से सुमित को भगा दिया गया, ये धमकी देकर कि अगर तू अब यहाँ से नहीं गया और हमें परेशान करना बंद नहीं किया तो हम तुझे पागलखाने भिजवा देंगे। सुमित उदास मन लेकर वहाँ से घर चला गया और घर जाने के बाद उसने सारी बातें अपनी माँ को बता दी। उसकी माँ भी ये सुनकर काफ़ी शॉक हो गई। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर सच में वो लड़की मर चुकी है तो सुमित का ये लोन का काम हुआ तो हुआ कैसे, और वो लड़की कैसे सुमित से इतने दिनों से मिलती रही। सुमित संगीता के मरने की खबर सुनकर लगभग आधा बेसुध सा हो गया था। रात में ना उसे नींद आती, ना वो खाना खाता। उसकी ऐसी ही हालत लगभग 1 महीने से बनी हुई थी। सुमित ने खाना पूरी तरह से छोड़ दिया था और अब लग रहा था कि शायद सुमित की जान चली जाएगी। एक दिन अचानक सुमित अपने कमरे में वैसे ही पागलों की तरह बेसुध सा अपने बेड पर बैठा हुआ था और अचानक से उसके कानों में संगीता की आवाज़ गूंजने लगी। उसे सुनाई दिया कि वो सुमित को उसके नाम से बुला रही है। सुमित तुरंत उठकर संगीता को चारों तरफ ढूंढने लगा। जब उसने देखा तो संगीता वहीं उसके कमरे के एक कोने में दूर खड़ी थी, काफ़ी उदास सी। सुमित तुरंत संगीता के पास भाग कर पहुँच गया और संगीता के सामने बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा और ये कहने लगा कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम कहाँ चली गई थी, सब लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो, तुम मर चुकी हो, तुम चलो मेरे साथ, तुम बताओ सबको कि तुम नहीं मरी हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम थी मेरे साथ इतने दिनों से। संगीता उसकी ऐसी बातें सुनकर उसके भी आँखों में आंसू आ गए और संगीता ने सुमित को बताया, सुमित ये सारे लोग बिल्कुल सच कह रहे हैं, मैं सच में 6 महीने पहले
मर चुकी हूँ। और मैं उस दिन जब तुम्हारे पास आई थी तो मैं तुम्हारे शिकार के लिए तुमको फंसाने आई थी। तुमने ये तो सुना होगा ना कि इस पूरे शहर में ऐसी लाशें मिल रही हैं जिसके शरीर से पूरा का पूरा खून गायब रहता है। उन सारे लोगों को मैं ही मारती थी। मैंने आत्महत्या मेरे बॉयफ्रेंड के वजह से की थी। उसने मुझसे शादी का वादा किया और उसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। मैं मेरे घर में किसी को भी ये बात नहीं बता सकती थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैंने अपनी जान दे दी। और मुझे उसके बाद से सारे लड़कों से नफरत हो गई थी, खासकर ऐसे लड़कों से जो कि प्यार करने का दावा करते हैं। और तुमने वो दावा मेरे साथ कभी नहीं किया। मैं तुम्हें भी ऐसे ही फंसा कर मारना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें मार नहीं पाई क्योंकि धीरे धीरे मुझे ये पता चल गया कि तुम उन इंसानों में से नहीं हो। काश तुम मेरी ज़िंदगी में पहले आ गए होते तो शायद आज मैं तुम्हारे साथ होती और खुश होती। मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर तुम्हें दुख पहुँचाने के लिए नहीं आई हूँ। मैंने तुम्हारी मदद जो देख कर किया था, अब तुम वो सुमित नहीं हो। तुम्हें तुम्हारी माँ का ख्याल था, तुम्हें तुम्हारे परिवार का ख्याल था, और तुम्हारा सारा काम होने के बाद भी अब तुम अपना काम धंधा सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे ऐसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। अब तुम्हें अपनी माँ की फ़िक्र नहीं है। सुमित को ये सारी बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास हो गया। सुमित प्यार तो करता था, लेकिन वो अपनी माँ से भी बहुत प्यार करता था। और संगीता के जाने के बाद संगीता को इस तरह से पाना ये तो नामुमकिन था। संगीता उसको जो भी चीज़ें समझाना चाहती थी उसने वो चीज़ें समझाएं। शायद सुमित जैसे निस्वार्थ भाव वाले आदमी का ऐसा प्यार देखकर संगीता की आत्मा को भी शांति मिल गई होगी। और सुमित उसके बाद अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस लौट कर आ गया। उसने अपने मन के मुताबिक अपना एक अच्छा बिजनेस खोला, अपनी माँ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और सब कुछ बहुत अच्छे से संभालने लगा, जैसा कि उसने अभी तक उम्मीद की थी या सोचा था। उसके बाद से उस शहर में किसी भी इंसान की उस तरीके से मौत वाला सिलसिला भी थम चुका था। ये शुरू कैसे हुआ और ख़त्म कैसे हुआ, ये सुमित के अलावा कोई भी नहीं जान पाया। और कुछ सालों बाद सुमित ने अपनी माँ की पसंद की एक लड़की से शादी कर ली। आज सुमित के दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। सुमित आज अपनी ज़िंदगी में खुश है। हाँ, ये बात अलग है कि आज भी कहीं ना कहीं सुमित दिल से प्यार तो संगीता से ही करता है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमें आपके बहुत सारे प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आपको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।